नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को टच करिएगा नया वीडियो पाने के लिए। तो देखिए जो है, आप पढ़े एनसीईआरटी पैटर्न नया सिलेबस इन हिंदी माध्यम, ये पार्ट जो है का नाम है स्वातंत्र्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, पार्ट जो है भाग वन पढ़ रहे हैं मैथ का, 12 क्लास का। तो देखिए कह रहा है इसका अवकलन करना है। यह पहला क्वेश्चन है कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स और कॉस थ्री एक्स है, इसका अवकलन कैसे करेंगे। हम मानेंगे, माना वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स मान लेंगे, वाई बराबर मान लेंगे हम। जब मान लेंगे तो ऐसे नहीं होगा, ये इंटू में है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर समीकरण के दोनों पक्षों में इसको समीकरण एक मान लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लाग लेंगे इन दोनों में, तो लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग वाई लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ठीक, ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला पढ़ें, लॉग एम गुड़े लॉग एन गुड़े जेड रहता तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग जेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या करेंगे कि हम अवकलन करेंगे। इन हमने क्या किया कि इसका जब लाग लिया तो प्लस में हो गया, क्योंकि इंटू में था, ये प्लस में हो गया। अब जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई डी एक्स, ये लॉग कॉस एक्स है तो वन बाई हो जाएगा कॉस एक्स, आ कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो गया, फिर इसका हो जाएगा वन बाई कॉस टू एक्स, आ इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स हो जाएगा। ये क्यों आ गया, क्योंकि टू एक्स है ना, एक बार कॉस टू एक्स का लॉग कॉस टू एक्स का वन बाई कॉस टू एक्स हो जाएगा, एक बार टू एक्स का करेंगे तो इसका टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये माइनस इसका होता है। ठीक है, इसी प्रकार इधर का यहाँ प्लस वन बाई कॉस थ्री एक्स थ्री माइनस साइन थ्री एक्स आ जाएगा। आगे देखते हैं किस प्रकार, वन बाई वाई डी वाई डी एक्स वन बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन बाई कॉस टू एक्स माइनस टू साइन टू एक्स प्लस वन बाई कॉस थ्री एक्स थ्री साइन थ्री एक्स। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हाँ, कॉस एक्स अकेले था तो वन बाई कॉस एक्स और कॉस एक्स का जो है साइन एक्स हो गया माइनस। अब ये कॉस टू एक्स था जिसका, तो वन बाई ये भी कॉस टू एक्स हो जाएगा, जैसे ये हुआ। अब एक बार टू एक्स का एंगल का करेंगे तो यहाँ टू आ जाएगा, और कॉस टू एक्स का जो कॉस एक्स का करेंगे वह तो माइनस, यहाँ से ये साइन टू एक्स आ गया। ठीक है, फिर वहाँ यही प्रक्रिया इसमें होगा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वाई डी वाई डी एक्स ये ऊपर जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स बटा कॉस टू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा थ्री साइन थ्री एक्स बटा कॉस थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले सकते हैं, डी वाई डी एक्स वन बाई वाई माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ये टेन एक्स टू टेन टू एक्स
थ्री टेन थ्री एक्स, क्योंकि यह सूत्र आप जानते हैं साइन एक्स बटा कॉस टेन एक्स होता है, ठीक है। अब ये वाई इधर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई टेन एक्स टू टेन टू एक्स थ्री टेन थ्री एक्स। अभी हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स वाई का मान ही रख देंगे। वाई का मान क्या था शुरुआत में हम चले थे, शुरुआत का मान देखिए यही था वाई बराबर, वाई का मान ही रख देंगे, चलिए रखते हैं। तो वाई का मान था कॉस एक्स कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स और ब्रैकेट में टेन एक्स, देखिए वाई की जगह रख दिए, माइनस ये सब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ सब में प्लस रहेगा, प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स हो जाएगा, यही जो है इसका अवकलन हो गया, ठीक है, अवकलन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये दिया है कि यहाँ भी इसको हल करेंगे तो एक तरीका अपनाएंगे, इसको कैसे हल करेंगे आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ भी देखिए उसको अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, मानेंगे माना वाई बराबर, अगर मान लें ये एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो यहाँ से मान लेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, क्या करेंगे दोनों पक्षों में समीकरण, इसको एक मान लीजिए, समीकरण के दोनों पक्षों में ये पतली कलम से अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसलिए जो है इससे हम कर रहे हैं दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो इधर लॉग वाई है, लॉग वाई हो जाएगा ये लॉग, इसको क्या करेंगे ये हो जाएगा, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा ये एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा फिर एक्स माइनस टू, ये भी ना हो जाएगा, नीचे भी सब है तो ये भी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अंडर रूट में सब है ना, ये पूरा अंडर रूट में है ये, तो यहाँ ये हो जाएगा इस तरह से, ये भी हो जाएगा फिर ये भी एक्स माइनस फोर भी और एक्स माइनस फाइव भी एक बटा दो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अब इसके आगे क्या होता है, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स माइनस वन पावर एक बटा दो एक्स माइनस टू पावर वन बाई दो, नीचे हो जाए इसके फिर एक्स माइनस थ्री पावर एक बटा दो एक्स माइनस फोर पावर एक बटा दो एक्स माइनस फाइव पावर एक बटा दो होगा। अब हम जानते हैं लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग इधर वाई बराबर ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन एक बटा दो हो जाएगा प्लस एक बटा दो लॉग एक्स माइनस टू, ये क्योंकि घात इधर पहले आ जाता है, ठीक है, मैं ये सब नीचे का माइनस हो जाएगा, माइनस एक बटा दो लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस एक बटा दो लॉग एक्स माइनस फोर माइनस एक बटा दो लॉग एक्स माइनस फाइव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे का ऊपर का तो हो गया यहाँ, क्योंकि ये जो पावर होता पहले हो जाता है लॉग इतना प्लस फिर पावर पहले आ गया लॉग इतना हो गया, नीचे का क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी एक बटा दो यहाँ माइनस एक बटा दो लॉग ये फिर माइनस एक बटा दो ये हो गया फिर माइनस एक बटा दो लॉग एक्स माइनस फाइव हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए अब हम अवकलन करेंगे तो ये लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन बाई वाई
डी वाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक बटा दो रहेगा ही, लॉग एक्स का पढ़ेंगे हो जाता है एक्स वाई, इस तरह से वन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स का करेंगे तो एक आएगा, एक नहीं लिखते हैं, प्लस एक बटा दो, ये भी करेंगे तो वन बाई एक्स माइनस टू आ जाएगा, फिर ये करेंगे तो माइनस एक बटा दो एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस एक बटा दो और एक्स माइनस फोर आ जाएगा, और यहाँ फिर करेंगे तो माइनस एक बटा दो एक्स माइनस फाइव आ जाएगा। अब देखिए सब में एक बटा दो कामन है, अगली स्टेप में हम लिखते हैं क्या होगा, वन बाई वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ देखिए एक बटा दो वन बाई एक्स माइनस वन प्लस एक बटा दो एक्स माइनस टू माइनस एक बटा दो एक्स माइनस थ्री माइनस एक बटा दो एक्स माइनस फोर माइनस एक बटा दो एक्स माइनस फाइव। अब देखिए सब में एक बटा दो क्या है, कॉमन है, ले लेंगे, ले लिए तो बचा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, इधर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और माइनस एक्स माइनस फाइव, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, फिर जो है ये दोनों दोनों का मिला के हल कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर हल करते हैं तो थोड़ा सा और ईजी हो जाता है, तो आइए हल कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ हल कर रहे हैं और इसको इसको एक साथ हल कर रहे हैं, ये तीनों का, तो इसका ये सब का एक साथ हल कर दें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। चलिए एक साथ हल कर देते हैं, अगर तो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। अब यहाँ आंसर सही नहीं है, अभी वाई का मान यहाँ रखेंगे, तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ से ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब यहाँ ये डी वाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ वाई बटा टू आ जाएगा, वाई उधर गुणा हो गया, वन बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई माइनस टू, ये आ गया एक्स माइनस फाइव हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डी एक्स एक बटा दो, वाई का मान क्या है, वाई का मान जो हम शुरुआत में चले थे, शुरुआत में हमारा जो मान था, मान क्या था, यही था वाई का मान, देखिए यही का वहाँ मान रख दीजिए, रूट में यहाँ मान रहेगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।